मामला है, इफ आई एम करेक्ट, वडोदरा में 461 संभवतः यूनिट्स थे, इसमें से एक यूनिट किसी को अलॉट हुआ, गवर्नमेंट एम्प्लॉई है शायद, अब वहां प्रोटेस्ट हुआ कि हम इन्हें नहीं आने देंगे। ये क्या हो गया है इस देश को? ये प्रधानमंत्री जी अभी बाहर हैं, आए तो फौरी तौर पे इसको करें। ये जो जहर हवा में घोला गया है ना, गुजरात जैसा राज्य, महात्मा गांधी का राज्य, सरदार पटेल का राज्य, जहां से नरसिंह मेहता की वो भजन, वैष्णव जन तो तैने कहिए पीर पराई जाने रे, आज क्या बना दिया? ये जहर सबको लील जाएगा एक दिन। इनकी पूरी कोशिश थी कि यही मॉडल पूरे देश में हो, वो मॉडल नकार दिया गया। लेकिन मैं आग्रह करूंगा प्रधानमंत्री जी से, गृह मंत्री जी, इस तरह का जहर जब हवा में आता है ना, कोई नहीं बचता है, सबको बचा लीजिए। आरएसएस लीडर इंद्रेश कुमार जी ने कहा है कि जो अहंकारी थे वो 241 पे जो है लॉर्ड राम ने उनको रोक दिया, और जो इंडिया अलायंस को उन्होंने टारगेट करते हुए कहा कि वो 234 पे। नहीं, देखिए उन्होंने इसमें अर्ध सत्य से काम लिया, आधा झूठ आधा सच। 241 वाली बात तो समझ रहा हूं मैं, उसमें भी कई सीटें कैसे जीती गई हैं वो भी पता है, लेकिन 234 वालों को राम द्रोही ना कहिए। हमारे राम जो है ना, मर्यादा पुरुषोत्तम है, बापू वाले राम। इंद्रेश जी आपको उसकी समझ नहीं हो सकती है, एक जेब में महात्मा गांधी की तस्वीर, दूसरे जेब में नाथूराम गोडसे की तस्वीर नहीं चलती है। ध्यान रहे, बाकी भारतीय लोकतंत्र जीवंत चीज है, वो 241 से 2 पर भी पहुंचा सकता है, ये पार्टी 2 पर थी। इसलिए इस लोकतंत्र में अहंकार, गुरूर, मैं, मेरा, मुझको, भैंस, मंगलसूत्र, मुजरा लोगों को अच्छा नहीं लगता। तो लोकसभा स्पीकर के इलेक्शन 26 जून को है, जिसको लेकर के सोर्सेस की तरफ से आ रहा है कि ऑपोजिशन ने डिमांड की है कि स्पीकर अलायंस पार्टी में से होना चाहिए, बीजेपी का नहीं होना चाहिए। देखिए, ये डिमांड लोकतंत्र के लिए तो बेहतर ये होता कि आप ऐसा कोई निर्णय लेते, लेकिन मैं मोदी जी को जानता हूँ, उनकी कार्यशैली को जानता हूँ। उन्होंने अपने पिछले कार्यकाल में डिप्टी स्पीकर तक नहीं नियुक्त किया, उन्हें चाहिए ही नहीं। संसद के दहलीज को चूमना और संसदीय लोकतंत्र की गरिमा बहाल करना, उसके प्रति निष्ठा रखना, इसमें मीलों का फासला प्रधानमंत्री जी ने दिखा दिया। बहरहाल, अगर इतने जहरीले कैंपेन के बाद प्रधानमंत्री जी चाहें तो ये निर्णय लें, और ये निर्णय लोकतंत्र को पुख्ता करेगा, मजबूत करेगा। सर, नीट की परीक्षा को लेकर के धर्मेंद्र प्रधान जी ने जो है ट्वीट किया कि जो भी चार्जेस है वो बेसलेस है, जबकि ऑपोजिशन का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर्ड। नहीं, देखिए, कोई मंत्री 2 दिन कार्यभार संभालने के ठीक बाद ये बयान दे दे, कौन सी इंक्वायरी करवा ली आपने 2 दिन में? जिस पर आरोप हो वही अगर इंक्वायरी कर ले तो क्या हासिल होगा? ये तो बेसिक जो नोशन ऑफ जस्टिस है उसके भी खिलाफ है। और हाँ, उन बच्चों की आंखों में देखिए जिनके सपने छत विच्छत हो गए, और एनटीए नाम की संस्था जो ये परीक्षाएं करवाती है, मैं तो देख रहा हूं मेरे विश्वविद्यालय में क्या हो रहा है उसके माध्यम से, इसके पूरे इसको बहुत सीरियस इवैल्यूएशन की जरूरत है, तब्दीलियों की जरूरत है। कांग्रेस लीडर जयराम रमेश जी का कहना है कि पीएम मोदी अपनी छवि सुधारने के लिए इटली गए हैं। देखिए, आमतौर पर एक रवायत रही थी हमारे देश में कि जब देश का प्रधानमंत्री बाहर हो तो हम इस तरह की जो टीका टिप्पणी है उसे परहेज करते हैं, लेकिन बहुत सारी व्यवस्थाएं बदल गई। हमारी डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में इतना जहर हुआ है, टोटी काट देगा, टोटी तोड़ देगा, बिजली काट देगा, एक भैंस खोल के ले जाएगा, मंगलसूत्र छीन लेगा, मुजरा करेगा, इससे जो जहर माहौल में आया उस जहर जाने में बहुत वक्त लगता है। अब प्रधानमंत्री जी और उनके होम मिनिस्टर साहब किसी और को इटली भेज रहे थे, चला कोई और गया, तो इस तरह की टिप्पणी मैं समझता हूँ इसको बहुत गंभीरता से लेने की जरूरत है। देखिए, मैं सीधे ये ऑर्गेनाइजर का लेख ही है कि ये सब चलता रहता है। मणिपुर तो 1 साल से जल रहा है, कहां थे ये लोग? अभी पता चला है मणिपुर, अगर 1 साल बाद पता चला है तो आपकी आंखें बंद हैं, आपके कान में रुई है मोटी वाली,
पूरे देश में जहर घोला जा रहा था, आप कहां थे? आज कह रहे हो कि बड़ा सबका देश है, सबका देश है बोलने के लिए, सिर्फ सबका देश। बड़ोदरा में क्या हूं सोसाइटी में हुआ उस पर बोलिए। इस तरह की चीजें सिर्फ आई वॉश, वो सीधी कोशिश हो रही है कि बहुत विरोध हो गया, बहुत झटका लग गया, तो किसी तरह एक स्पेस ऐसा क्रिएट किया जाए कि हम इंटरनली भी डायग्नोज कर रहे हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।